आशा है आपको मनीष जैन की 52 कार्ड की ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। और अब हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं कि ये इसके पीछे की गणित क्या है और ये कैसे काम करती है कि आखिरी में जितने मेरे पत्ते पाल बचे हैं और तीसरी गड्डी का सबसे ऊपर का पत्ता उतना ही बताता है जितने मेरे हाथ में पत्ते बचे हुए होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमने पहले पत्ता खोला उसके आगे 13 तक गिनते हैं, तो ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब असली खेल में हम ऐसे बहुत सारी गड्डियां बना देते हैं और उसमें से कोई भी 3 चुनकर रख लेते हैं और उनको वापस अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उससे इस खेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन में सिर्फ 3 गड्डियों वाला ही दिखाएंगे बिकॉज बाकी सारे पत्ते तो अब हमारे हाथ में आ गए हैं। तो अब हमने मान लीजिए, और इसको हम खुला हुआ दिखाते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए, ये सबसे इसको भी बंद कर देते हैं ताकि अब आपको ये पता रहे कि सिर्फ 5 सबसे नीचे वाला पत्ता इसमें 5 है और ये 11 है और ये 7 है। तो अब मान लीजिए इसमें हमने कोई भी 2 चुन लिए, मान लीजिए 5 चुन लिया, तो अब हम इसमें 5 पत्ते और रख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 7 है मान लीजिए, तो इसमें 7 और रख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मनीष जैन और गिनते हैं, MANISHJAIN, मनीष जैन में 10 अंक आते हैं, 10 अल्फाबेट हैं, तो हमने 10 पत्ते और निकाल दिए। तो अब देखिए कितने पत्ते मेरे पास बचे। तो अब ये देखिए कि इस गड्डी में हमने 5 के बाद 13 तक गिना था, तो ये 8 पत्ते हो गए, और उसके बाद 5 और ऊपर रख दिए, तो ये 8 और 5, 13, और ये वाला खुला हुआ पत्ता 14 ही हो गए। उसी तरह से 7 के बाद 6 यहाँ पर गिने तो 13 कर दिया, और 7 ही यहाँ पर रख दिए तो ये भी 14 हो गए, और ये 10 मनीष जैन के हमने उतार कर रख दिए, तो 14 और 14, 28 और 10, 38। तो मेरे हाथ में जितने पत्ते हैं और ये मिलाकर भी 14 ही पत्ते हैं। 14 में से हमने 11 के बाद 2 यहाँ रख दिए और एक ये पत्ता खुद है, तो 3 पत्ते यहाँ पर हैं, तो 14 में से 3 करेंगे तो हमारे पास 11 ही बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने अब ये 14-14 की 3 गड्डियाँ बनाई हैं और 10 का ये, तो पूरे 52 हो जाते हैं। तो अगर हम कोई सी भी गड्डी के अगर ये पत्ते अपने हाथ में रख लें तो सबसे ऊपर का पत्ता बताएगा कि हमारे हाथ में कितने पत्ते हैं। ये 14 की गड्डियाँ क्यों हुई, क्योंकि जो भी पत्ता है उसको 13 तक ले जाने के लिए हमने ये कार्ड्स गिन दिए और उसके बाद जितना ये पत्ता था उतने और रख दिए, तो ये 13 हो गए और एक ये 14। इसी तरह से 11 में ये 2 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर, ये भी 14। 7 के बाद 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो ये भी 14 हो गए, 14, 14, 28, 14, 42 और 10, 52। तो ये 52 का खेल है। मज़ेदार चीज़ ये है कि इस तरकीब को इस्तेमाल कर आप लोग अपनी नई तरकीब बना सकते हैं, अपने नाम की नई तरकीब। फॉर इंस्टेंस, अगर आप चाहें कि 10 तक ही गिनें, इसका मतलब जो गड्डियां बनाएं उसमें 13 की गिनने की जगह 10 तक ही गिनिए, इसका मतलब गुलाम, बेगम, बादशाह सभी को 10 मानकर 10 तक ही गिने, तो हर गड्डी में 11 पत्ते हो जाएंगे, 10 तक आपने गिना और एक पत्ता जो खुला हुआ है। ऐसी ऐसी 4 गड्डियां रख लें तो 11, 11, 11 और 11 की 4 गड्डियां यानी 44 पत्ते हो जाएंगे। आपके पास 8 पत्ते एक्स्ट्रा जो बचेंगे उसके लिए आप हमारे विपुल भाई जो ये फिल्म बना रहे हैं उनका लास्ट नेम निकाल कर काम कर सकते हैं। विपुल भाई का नाम है डुमाडिया, DOMADIYA, 8 अंक हो गए और ये डुमाडिया के नाम से बढ़िया एक ताश के पत्तों की बढ़िया गणित हो जाएगी। आशा है आपको पसंद आई होगी, और अगर आप कोई अपनी नई तरकीब बनाएं तो हमारे कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजें और हमें बताएं कि आपने क्या नया खेल बनाया। थैंक यू वेरी मच।